कुल मिला करके अभी मैं आपको बताता हूं 57 सीटें हैं। पटसपुर से डॉक्टर अंबुजाक्षा महंती, कंठी उत्तर से श्रीमती सुनीता सिंगा, इसके साथ ही भागवनपुर से श्री रविन्द्रनाथ मैती, खेजुरी जो एससी के लिए सीट रिजर्व है वहां से श्री शांतनु प्रमाणिक की पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कांति दक्षिण से श्री अरूप कुमार दास, रामनगर से स्वदेश रंजन नायक, इग्रा से श्री अरूप दास को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, दांतन से श्री शक्तिपद नायक को पार्टी ने टिकट दिया है, नयाग्राम से श्री बाकुल मुर्मू पार्टी के प्रत्याशी होंगे, गोपी बल्लभपुर से श्री संजीत महतो, झारग्राम से श्री सुखमय सतपति, केसरी जो एससी सीट है वहां से श्रीमती सोनाली मुर्मू, खड़गपुर से श्री तपन भुइया पार्टी के प्रत्याशी होंगे, गरबेटा से श्री मदन रुईदास, सालबोनी से श्री राजीव कुंडू, मेदिनीपुर से श्री समित दास, बिनपुर से श्री पालन सरीन, बांदवान से श्री पारसी मुर्मू, बलरामपुर से श्री बनेश्वर महतो, उसी के साथ ही कंसेंसी नंबर है 240 बाघमुंडी है, यह सीट आजसू के लिए पार्टी ने अपने छोड़ी है, सहयोगी दल के लिए एक सीट आजसू के लिए यह सीटें छोड़ी है, कंसेंसी नंबर 240 बाघमुंडी। जयपुर से श्री नाराहरी महतो, पुरलिया से श्री सुदीप मुखर्जी, ये पहले विधायक भी थे, मन बाजार से श्री गौरी सिंह सरदार, पैरा से श्री नंदिया चंद बावरी, रघुनाथपुर से एडवोकेट विवेकानंद बावरी, सालटोरा से श्रीमती चंदना बावरी, छटना से श्री सत्यनारायण मुखर्जी, रानीबांध से श्री खुदीराम टुडू, रायपुर से श्री सुधागंसु हंसदा, यह पहले फेज के नाम अभी आपके समक्ष मैंने पढ़ा, अब सेकेंड फेज पे आ रहा हूं। गोसाबा से श्री चित्ता प्रमाणिक, पथ प्रतिमा से श्री आसित हलधर, कागदीप से श्री दीपांकर जना, सागर से श्री विकास कामिना, तामलुक से डॉक्टर हरे कृष्णा बेरा, पंसकुरा पूरब ईस्ट वहां से श्री देवाव्रत पटनायक, पंसकुरा पश्चिम से श्री सिंधु सेनापति, मोयना सीट महत्वपूर्ण है, यहां से प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री अशोक दिंदा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, नंद कुमार से श्री नीलांजल अधिकारी, महिषा दल से श्री विश्वनाथ बनर्जी, हल्दिया से श्रीमती तापसी मंडल, ये पहले विधायक थी, तापसी मंडल पहले शिवाज एमएलए, नंदीग्राम से श्री शुभेंद्र अधिकारी जो पहले टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, श्री शुभेंदु अधिकारी। चांदीपुर से श्री पुलक कांति गुरिया, नारायणगढ़ से श्री राम प्रसाद गिरी, सबंग से श्री अमूल्य मैती, पिंगला
यह सीट है श्रीमती अंतरा भट्टाचार्य देबरा, यहां से श्रीमती भारती घोष जो आईपीएस ऑफिसर थी, भारती घोष उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। दासपुर से श्री प्रसन्न बेरा, घटल से श्री शीतल कापत, चंद्रकोना से श्री शिवराम दास, केशपुर से श्री प्रतीश रंजन कुंवर, तला डांगरा से श्री श्यामल कुमार सरकार, बांकुड़ा से श्री नीलाधरी शेखर दाना, ओंडा से श्री अमर शाखा, विष्णुपुर से श्री तन्मय घोष, कटुलपुर से श्री हरकाली पाटीदार, इंदस से श्री निर्मल धारा, सोनामुखी से श्री दिवाकर घोरमी। मित्रों, यह कुल मिलाकर के हमने 57 सीटों की अभी आपके समक्ष यह नाम पढ़े हैं जिनकी केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को अप्रूव किया है, और इन 57 सीट में एक सीट जो है वो आजसू को दिया गया है, अब हमारे सहयोगी दल हैं, और तीन सीटें फर्स्ट सेकेंड फेज की बची हुई है। तीन सीटें कुल मिला के दोनों फेज में फर्स्ट सेकेंड में 60 सीटें होती हैं। सभी प्रमुख पार्टी के नेता वेस्ट बंगाल के, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी की चूंकि कल विशाल जनसभा है, अभूतपूर्व विशाल जनसभा कलकत्ता में, वहां पे सभी लोग हैं, उसके तैयारी में वहां पे सभी व्यस्त हैं, इसलिए प्रदेश के नेता यहां पे कोई भी यहां पे नहीं है। वन सीट इन 57 हाँ सेम 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 सुदेश में तो वाली सेम नहीं नहीं उन्होंने राज्यसभा में भी पार्टी को सपोर्ट किया था, राज्यसभा का भी जो एक सीट का चुनाव था पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन कुल मिलाकर मान के चलिए कि जिस प्रकार से मैं भी वहां गया हूं, अभी दुर्गापुर गया था, जिस परिवर्तन की लहर चल रही है, सत्ता परिवर्तन की लहर है, और वह लहर कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ममता सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ है, और जंगल राज के खिलाफ है। वहां के लोग, पश्चिम बंगाल के आम जनमानस, वह केंद्र सरकार के साथ चलना चाहते हैं, वह नहीं चाहते कि वहां के मुखिया जो है मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से झगड़ा करें, झगड़ालू सरकार नहीं चाहते, इसलिए सबने तय किया है, और ऐसा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट जीतेगी, दो तिहाई बहुमत के साथ 2 महीने के अंदर सरकार बनाने जा रही है।